हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? तो ना अभी ना मम्मी आदि को तैयार कर रही है स्कूल के लिए, और ना बहुत तेज बारिश हो रही है दिल्ली में। ना बहुत ही तेज बारिश हो रही है। आदि को छोड़ने आदि के पापा जाएंगे, और तमन्ना को छोड़ने मैं जाऊंगी। आदि की स्कूल थोड़ा दूर है, तो आदि जल्दी चला जाता है, तमन्ना अभी थोड़ा 10-15 मिनट लेट जाएगी, 5 मिनट। तो आदि की ना स्कूल ना दूर है, इसलिए पापा आदि को जल्दी छोड़ने चले जाते हैं, और मेरी स्कूल ना पास में ही है, इसलिए मैं लेट जाऊँ। आदि जा रहा है स्कूल और तमन्ना को छोड़ने मैं जाऊँ। तो आदि आज खुश इसलिए हो रखा है स्कूल के लिए क्योंकि बारिश आ रही है। आदि बाय। देखो कितनी तेज बारिश लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से आ रही है बारिश। ये पीपल का पेड़ है यहाँ पर बहुत बड़ा। बाय आदि। डुगू। तो आदि का फ्रेंड देखना आदि को बाय कर रहा है। बाहर ना बारिश तो हो रही है, पर अंदर ना उतनी गर्मी हो रही है। और ना आज ना मेरे 4 टेस्ट हैं स्कूल में। मन तो कर रहा है बारिश में भीग लूं, पर टाइम नहीं है उतना। तो दिल्ली में बड़ी मुश्किल से बारिश हो रही है, थोड़ी सी हो रही है फिर रुक जा रही है। दिल्ली में मौसम तभी ठीक होगा जब पूरे दिन बारिश रहेगी। आदि तो चला गया स्कूल, अब मैं जाऊंगी। तो ये है मेरा सुबह का नाश्ता, और ना मेरी आलू की सब्जी ना फेवरेट है, और मम्मी ने आज आलू की सब्जी बनाएंगे। तमन्ना कैसा बनाया नाश्ता? अच्छा बना है। तमन्ना को ना आलू की सब्जी कैसी भी बना लो, तमन्ना को अच्छी लगती है आलू की सब्जी। तो आज आलू की सब्जी बन रखी है, जल्दी भी बन जाती है आलू की सब्जी। अच्छा लग रहा है तेरे को? हाँ। तो चलो चलती हूँ अब मैं स्कूल, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, चलती चलती हूँ। और बारिश अब बंद हो गई। तमन्ना का बैग 10 किलो का होगा। मैं तमन्ना को छोड़ के आ गई हूँ, और तमन्ना के पापा आदि को छोड़ के आ गए हैं। तो आप बनाऊंगी मैं रोटी तमन्ना के पापा के लिए और अपने लिए। तो ना मैं और आदि अभी अभी स्कूल से आए हैं, और ना मम्मी को ना बहुत ही बुखार आ रखा है, तो मम्मी ने ना हमारे लिए ना पास्ता बना के रखा था, फिर हम लंच करेंगे उसके बाद सो जाएंगे। और मम्मी ने कल दवाई तो खाई थी, पहले से थोड़ा सा ठीक है, पर अभी आ ही रहा है बुखार। तो ना मैम ने कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था, 2 प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए थे। एक तो दिया था पार्लियामेंट हाउस, या फिर इंडिया गेट बनाना है, या फिर द किंग ऑफ डांस बनाना है। तो मैंने उनमें से इंडिया गेट बनाया, और इंडिया गेट तो अभी स्कूल में मैंने सबमिट कर रखा है। और जो दूसरी वाली मैम ने कहा था फैमिली ट्री बनाने के लिए, वो मैंने बनाया। ये रहा फैमिली ट्री, और ना मुझे ना इसमें गुड भी मिल रखा है, देखो ये। और ये रहा फैमिली ट्री, मैंने ना ये कार्डबोर्ड से बनाया है। और इंडिया गेट जब स्कूल से आ जाएगा तब मैं आपको दिखा दूंगी, अभी वो इंडिया गेट ना चेक नहीं हुआ है। तो ना ये देखो, ये मम्मी की फोटो है, पहले की, बहुत पहले की, और पापा की बहुत पहले की है। और ना मेरे को ना अपनी अब की फोटो मिली ही नहीं, इसलिए मैंने पहले वाली फोटो चिपका दी जब मैं लक्की पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। और ये तो आदि की अब की फोटो है, और ये मैंने ना मम्मी पापा की दोनों साथ में चिपकाई है। अच्छा लग रहा है ना? कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। तो ना अभी मैं अपना स्कूल का काम कर रही हूँ, और ना मम्मी को ना दिन से ना बहुत तेज बुखार आ रखा है। मतलब दिन में तो मम्मी ने हमारे लिए पास्ता वगैरह बनाया, फिर जो और अभी मैं और आदि अपने स्कूल का काम कर रहे हैं। तो मैं और आदि अभी अपने स्कूल का काम कर रहे हैं, और ना दिन में ना मम्मी ने हमारे लिए पास्ता तो बनाया, फिर उसके बाद जब मैं सोई और सो के उठी ना, मम्मी को ना बहुत तेज बुखार आ रखा था। और अभी मम्मी लेट रखी है, और पापा ऑफिस से आ गए हैं,
देखते हैं पापा डिनर में क्या बनाते हैं। आज पापा ही बनाएंगे डिनर, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो रखी है तो मम्मी नहीं बनाएगी, मतलब मम्मी बना पाएगी। तो अभी हम डिनर कर रहे हैं और पापा ने ना खिचड़ी बना रखी है, तो अभी हम खिचड़ी खा रहे हैं। और आदि को ना अच्छी नहीं लगती खिचड़ी, इसलिए आदि नहीं खा रहा खिचड़ी, वो खा ही नहीं रहा, कह रहा है मैं नहीं खा रहा खिचड़ी। जहां बाय। तो अब मम्मी की तबीयत पहले से थोड़ा ठीक है और आदि तो स्कूल चला गया है, फिर जब पापा आदि को भेज के आ जाएंगे, स्कूल भेज के आ जाएंगे, तब मैं जाऊंगी और पापा ने बोला मैं भेज दूंगा स्कूल। तब मैं मम्मी की तबीयत पहले से थोड़ा ठीक है। तो आदि को भेजने पापा चले गए हैं और जब आदि को भेज के आ जाएंगे, स्कूल में भेज के आ जाएंगे, उसके बाद पापा घर आएंगे, उसके बाद मेरे को छोड़ने जाएंगे। और क्योंकि ना मम्मी के ना पैरों में ना दर्द हो रहा है और क्या पता पापा ना आज अपनी ऑफिस की ना छुट्टी कर दे। तो अब पहले से काफी ठीक है मेरी तबीयत, और मेरे को ना एकदम से बुखार आ गया था, पता नहीं क्यों, पहले मेरे को जुकाम लग गया, उसके बाद एकदम से बुखार आ गया, बिल्कुल ऐसा आया बुखार की मतलब मैं उठ भी नहीं पाई रात को बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ और आज ना पापा ही लेने आए, और ना आज ना पापा ने छुट्टी कर रखी है, और अभी मम्मी कपड़े धो रही है और पापा फिर खाना बनाएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो मम्मी अभी कपड़े धो रही है और मम्मी अब थोड़ा ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।